मेरे को क्यों, मैंने नहीं बोला है ना, तो आप मेरे चैट में मत लिखो किसके रिलेटेड कुछ भी, किसको भी गाली कुछ मत लिखो। आई लव यू सो मच पार्टी कार्निवल गेमिंग, थैंक यू। मैं आउट, मैं थोड़ी किसके रिलेटेड कुछ बोलती हूँ यार, जिनका मैटर भी जो लोग बोल रहे हैं उनके उनसे डिस्कस करो ना आप ये सब, क्यों किसके लिए गाली लिख रहे हो गाइस। देखो जिसको जो बोलना है बोलने दो, वो उनका ओपिनियन है, उनकी बात है। मैंने ना ही किसी को किसी का नाम लेके कुछ बोला है, ना ही मैंने कोई चीज स्टार्ट की, ना कोई बात स्टार्ट की। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे चैट में कोई भी किसी का नाम लिख के कुछ मत लिखो। अगर आपको इतना ही मसाला और इतना ही ये सारी चीजें करनी है, तो जो बोल रहे हैं उनके चैट में बात करो, उनसे बोलो, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको ठीक है, आप लोग को भी जो लगता है ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट। आपको जो बोलना है, जितनी चीजें बोलनी है बोलो, ओके। बट किसी का नाम लिख के कुछ भी मत बोलो। आपको मेरी मेरे चैट में लिखना है, जो भी चीजें आप लिख रहे हो, ठरकी ऑडियंस है ये वो, जो लिखना है आप लोग लिखो, बट किसी का नाम लिख के कुछ भी मत लिखो, ठीक है। अमन अभी यार अभी रहने देते हैं, अभी तो नहीं। थैंक यू फॉर द सुपर चैट, ड्रॉप इट यू विन। कुछ हार जीत कुछ नहीं है यार, मेरी बात मानो, ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। 2 दिन का रहेगा सीन, फालतू में दो और के फैंस के बीच में फाइट चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। एक किसको गाली दे रहा है, दूसरा उसको दे रहा है, कुछ नहीं होगा इससे। ये मैटर 10 दिन चलेगा, फिर तुम 10 दिन बाद भूल जाओगे, फिर कोई नया चीज स्टार्ट होगी, फिर तुम भूल जाओगे। कोई फायदा नहीं है ये सब को इतना बढ़ा के या इस सारी चीजों पर इतनी बात करके, कुछ कुछ लॉजिक वाली बात ही नहीं है यार। क्या क्या कर रहे हो तुम लोग, ये सब चलता रहता है, छोटी भी छोटी बातें होती रहती है। हम इसको इतना एक्सटेंड करेंगे तो क्या फायदा। फालतू में आप लोग जो कॉम्पी मैचेस चल रहे हैं उन लोग उन पे ध्यान दो, उनके बारे में बात करो, ये सब क्या फायदा किसी के बारे में कुछ भी लिख के।